हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 3 ट्रिक्स के बारे में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज की ट्रिक नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है, वरना आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की ट्रिक नंबर 1 से। इस ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पे शिपयार्ड में आना होगा, और यहाँ पे आप जो कंटेनर देख रहे हैं इसके नीचे आप थोड़ी सी जगह जो देख रहे हैं वहीं से आप ग्रेनेड अंदर चला सकते हो, और जो हैंड कैनन है वो भी आप वहाँ से अंदर चला सकते हो। और अगर कोई बंदा जो है अंदर कैंप कर रहा है तो सीधे किल हो जाएगा। आप देख सकते हो वीडियो में कि जो कैनन का डैमेज है, ग्रेनेड का डैमेज है, वो सीधे अंदर पड़ रहा है, कंटेनर के अंदर पड़ रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक है, आप इसे आराम से ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आप बात करते हैं आज की ट्रिक नंबर 2 के बारे में, जिसके लिए आपको ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, और आपको एक सेकंड भी स्किप नहीं करना है, वरना आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको इस टायर के पास आना है, फिर आपको प्रोन करके थोड़ा सा आगे जाना है। तो जब आप यहाँ पे स्केटबोर्ड यूज़ करोगे और फिर स्केटबोर्ड कैंसिल करोगे तो आप हवा में उड़ने लगोगे थोड़ा सा, फिर आप नीचे इसके अंदर आ जाओगे डायरेक्टली। तो जैसा वीडियो में देख सकते हो यहाँ पे मैं इसके अंदर ऑलरेडी आ चुका हूँ, और यहाँ से मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड इसको कर देता हूँ ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी। तो यहाँ से आपको इसी तरीके से इस तरीके से यहाँ पे जाना होगा। तो आप वीडियो में देख सकते हो आपको कहाँ से जाना होगा, क्योंकि आप सीधे वहाँ से आगे नहीं जा सकते, तो आपको थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। तो जैसा वीडियो में देख सकते हो आपको इस खंभे के पास आ जाना है, फिर आपको यहाँ पे खड़ा होना है। बाकी आप कहीं पे भी अगर खड़े हो जाओगे तो आप वहाँ से सीधे ऊपर उड़ जाओगे, मतलब बाहर आ जाओगे। तो यहाँ पे आप आके आपको स्केटबोर्ड यूज़ करना है, तो आप डायरेक्टली ट्रेनिंग जोन में, यहाँ बैटल जोन में आ जाओगे, और यहाँ से आपको थोड़े से ग्रेनेड लेने हैं। फिर आप जब यहाँ पे ग्रेनेड लोगे तो फिर से आपको वापस सोशल जोन में जाना पड़ेगा। तो आप वीडियो में देख सकते हो मैंने यहाँ पे ग्रेनेड ले लिए हैं, और मैं वहाँ पे फिर से टारगेट जोन में आ गया हूँ, और यहाँ से आपको फिर से सोशल जोन में आना है। तो जब आप यहाँ सोशल जोन में आ जाओगे तो यहाँ जो अगर कोई भी बंदा रिंग के अंदर खड़ा होगा तो उसको आप उस ग्रेनेड से आराम से मार सकते हो। तो आप वीडियो में देख सकते हो कि जो ग्रेनेड है सीधे अंदर जा रहा है। हो सकता है अगर पहला वाला ग्रेनेड अंदर नहीं गया तो आप दूसरा वाला ग्रेनेड वहाँ पर डाल सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी ट्रिक है, आप इसे अपने फ्रेंड्स को सरप्राइज़ कर सकते हो। तो चलिए आप बात करते हैं आज की ट्रिक नंबर 3 के बारे में, जिसके लिए आपको रिमनाम विलेज में इस ड्रम के पास आ जाना है। फिर आपको इस ड्रम को गोली से या ऐसे भी तोड़ सकते हो, तो आप यहाँ पे नॉक हो जाओगे। तो जब आप यहाँ पे नॉक हो जाओगे फिर आपको इस पानी की तरफ थोड़ा सा जाना है, और जब आप पानी में गिरोगे तो आप ऑटोमेटिकली खुद ही रिवाइव हो जाओगे। आप वीडियो में देख सकते हो मैं भी खुद ही रिवाइव हो गया हूँ, लेकिन ये जो रिवाइव है वो टेम्परेरी रहेगा। आप धीरे धीरे जो आपकी हेल्थ है वो थोड़ी थोड़ी जाएगी, तो आप सिर्फ फिर सीधे एलिमिनेट हो जाओगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी ट्रिक है, आप इसे अपने फ्रेंड्स को सरप्राइज़ कर सकते हो, क्योंकि आप नॉक होने के बाद भी फिर से 10-15 या 20 सेकंड के लिए रिवाइव हो जाते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। तो चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो में कुछ नए ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय।